हेडलाइन पर, कई दिनों से जिंदगी से जंग लड़ रहा था बच्चा, इलाज के दौरान मौत, दिल्ली में ब्लास्टर, अब तक 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू टीम ने 38 को अस्पताल पहुंचाया। आंटी जी नमस्ते और दाग दी सीने में गोलियां, महिला ने दम तोड़ा। अब खबरें विस्तार से। कई दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ रहा था बच्चा, इलाज के दौरान मौत, हाईवे पर वाहन ने मारी थी टक्कर। नई दिल्ली के पांडव नगर इलाके में क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा एक बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 13 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई है। प्रिंस 30 दिसंबर को क्रिकेट खेलने पैदल जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने के दौरान बुरी तरह से घायल हो चुका था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, घायल प्रिंस को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार तड़के सुबह प्रिंस की मौत हो चुकी थी। दिल्ली में ब्लास्ट, अब तक 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू टीम ने 38 को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के मोती नगर के सुदर्शन पार्क की एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद राहत बचाव कार्य समाप्त हो गया है। फायर ऑफिसर ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आते ही जो देखे यहाँ पर बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन है वो कोलैप्स हुआ है, और उसमें करीब 7-8 उनको कैजुअलिटी मिली है। वो कैजुअलिटी 1 by 1 उनको निकाले और उनको हॉस्पिटल भेजे। टोटल कितने लोगों को निकाला गया इसमें से? टोटल 15 लोग निकाले, जिसमें से करीब जो है 8 जो लोग हैं वो इंजर्ड है और 7 अब तक जो है उसमें अभी डेथ है। क्या उसमें डेथ में कोई महिलाएं भी है? नहीं, उसमें कोई महिलाएं, सारे जेंट्स हैं, मेल है सब। कोई बच्चा भी है उसमें? एक बच्चा है उसमें। क्या लगता है क्या क्या वजह है घटना की? एक्चुअली इन लोग यहाँ पे लोकल फैंस वगैरह जो है बनाते हैं, उसमें कंप्रेसर भी था, LPG सिलेंडर्स भी थे। अभी पता नहीं जो है किस कारण से जो है वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुई है। अभी ऐसे कुछ LPG का सिलेंडर भी नहीं मिले और ना जो है कंप्रेसर्स का जो है कुछ सिलेंडर मिले उसमें, तो अभी कारण पता नहीं है। मे बी जो है कि LPG लीकेज के वजह से ये इनका ब्लास्ट हुआ है। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है? नहीं, अब तक तो हमने देख लिया। यहाँ पे NDRF की टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी आए हुए हैं, SDM भी आए हुए हैं, उन लोगों ने भी चेक किया, हम लोग भी अभी भी मौके पर खड़े हैं, तो अभी तक तो कुछ ऐसे मिला नहीं। हाँ, एक उसका काम हो रहा था, बॉयलर फटा हुए बच्चे हैं। अच्छा। और थी और उस वजह से बिल्डिंग हो गई, वो 7 वाले बिल्डिंग से गिरी ऊपर, उसके नीचे बंदे दब गए। कितने बंदे दब गए? 15-16 तो निकाले हैं इलाके वालों ने। सर मैं बताता हूँ सर आपको, मैं मौका है वारदात पे अभी मैं था, मैंने सबकी, हम सबकी, दिल्ली पुलिस मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिविल डिफेंस, सबकी मदद से हमने लोग जो विक्टिम्स थे उनको हमने बाहर निकाला। मेरा अभी कितने लोग मरने की वो बता रहे हैं? नहीं मरे नहीं जी, अभी तो इंजर्ड थे, अभी हमने उनको आगे हॉस्पिटल में एमरजेंसी में रेफर किया, जिसमें 2 बच्चे थे, 1 लेडीज थी और लगभग कोई 5 से 6 जो थे आदमी थे, लगभग उनकी उम्र 35। फायर ऑफिसर ने बताया कि मौके पर पहुंची फायर, डिजास्टर और स्थायी पुलिस की टीम ने रेस्क्यू के बाद 15 लोगों को मलबे से निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां 7 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। आंटी जी नमस्ते और दाग दी सीने में गोलियां, महिला ने दम तोड़ा। यह वारदात नई दिल्ली के द्वारका जिले की उत्तम नगर थाना इलाके की दर्शाई जाती है। 1 जनवरी की रात 60 साल की एक महिला को मारी थी गोली, जिसकी गुरुवार को अस्पताल में मौत हो गई। अपने परिवार के साथ 1 जनवरी को रात में घर के बाहर आलाव जलाकर बैठी थी, उसी दौरान अचानक एक युवक वहां पहुंचा और पहले महिला को नमस्ते किया, जिसके बाद पास आकर गोली दाग। जब तक महिला के परिवार वाले आरोपी को पकड़ पाते तो युवक वहां से भाग गया था। फिलहाल पुलिस ने दावा किया है कि जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। पूरी घटना CCTV कैद हो चुकी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS इंडिया आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।